स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो वाईफाई जेएमआर M41 की। तो जैसा कि आप बॉक्स पे देख पा रहे हैं, कुछ जो मेन फीचर्स हैं वो इसके ऑफर किए गए हैं। और एक अच्छी चीज़ ये भी है, इसमें जो बैटरी आपको वो 2600 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो प्रीवियस डोंगल से 300 mAh बड़ी है और 1 से 2 घंटे का एडिशनल बैटरी बैकअप दे देता है। यहाँ पे बॉक्स में जो चीज़ें ऑफर की जाती है साफ साफ क्लियरली मेंशन है, राउटर मिल जाता है, केबल मिल जाती है, एक आपको बैटरी मिलेगी साथ में, वारंटी कार्ड और एक अडेप्टर जो आपको मिल सकता है जिससे आप अपना 2.0 वाला USB केबल है जिससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। MRP 2419 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये लगभग 1000 रुपये की प्राइस में अभी एज ऑफ मार्च 2020 ऑफर किया जा रहा है। काफ़ी पुरानी डिवाइस है, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो इसलिए मेरे को अभी बनाना पड़ रहा है इसको। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं ताकि मैं पैकेजिंग के अंदर क्या कुछ ऑफर किया जाता है मैं दिखाता हूँ। बॉक्स की जो पैकेजिंग है ना वो थोड़ी सी यूनिक टाइप बनी हुई है और जियो का लोगो है जो बाहर से काफ़ी चमकता है। तो बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और मिलेगा आपको जिसके अंदर आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी, साथ में अडैप्टर मिल जाएगा और एक बैटरी जो होती है वो भी इसी के अंदर होती है जो मैंने पहले निकाल ली थी, और ये इंटैक्ट थे, मतलब यूज़ नहीं किए हुए, तो इसीलिए बॉक्स के अंदर रखे हैं। केबल और अडैप्टर दोनों ही काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे और अपने फ़ोन का चार्जर एज ए फ़ोन का चार्जर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। USB 2.0 और टाइप 2 भी जिसको मैं बोल सकता हूँ या टाइप बी भी बोल सकते हैं, इसको USB टेथरिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जिससे आप अपने डेस्कटॉप को अगर कनेक्ट करना चाहें तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने इस डोंगल को चार्ज भी कर सकते हैं इसी अडैप्टर इस केबल के थ्रू, जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है और ये पूरा चार्ज भी हो जाता है। और बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 9 घंटे ये बड़े आराम से आपको हॉटस्पॉट या वाईफाई का बैकअप जो है दे देता है। चलिए जी, बॉक्स को इस इधर ओपन करते हैं तो मेन डिवाइस के साथ साथ आपको कुछ बंडल मिल जाता है जिसमें आपको वाईफाई से कॉलिंग कैसे करती हैं वो भी ऑप्शन दे देता है। आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इस एप्लीकेशन को, एक एप्लीकेशन छोटी सी इंस्टॉल करके आप इसको कनेक्ट करके कॉलिंग भी कर सकते हैं वाईफाई पे, जो सिम कार्ड आपने इसमें इंसर्ट किया है उसके साथ। अडैप्टर एक बार जो है थोड़ा डल या मैं कह सकता हूँ मैट फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे आप USB पोर्ट देख सकते हैं और इधर आपको 2 बटन मिल जाएंगे, एक WPS को ऑन करने के लिए और एक जो डिवाइस को है मेन डिवाइस को ऑन करने के लिए। आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डिवाइस ऑन हो जाती है, लॉन्ग प्रेस से डिवाइस ऑफ हो जाती है। यहाँ पे कुछ आपको डिस्प्ले मिलता है, एक बार मैं इस स्टिकर को निकाल देता हूँ ताकि आप जो डिस्प्ले है वो अच्छे से देख पाओ। 3 चीज़ें इसमें डिस्प्ले होती हैं, वो एक बार बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ ऐसे कुछ इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कुछ चीज़ें इस पर डिटेल्स जो है मेंशन की गई है। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है इसका पासवर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख के रख सकते हैं। इसको डायरेक्ट हॉटस्पॉट बना के आप अपने एज ए वाईफाई राउटर इसको यूज़ करेंगे तो आपके ये काम आने वाला है। तो और यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड और एक सिम इंसर्ट किया जा सकता है। सिम दोस्तों इसमें नैनो सिम कार्ड इंसर्ट होता है और इसको थोड़ी सी मशक्कत लगी मेरे को इंसर्ट करने में, और जैसे मैं इंसर्ट कर दूंगा आप हम देख पाएंगे कि इसमें कैसी स्पीड जो है ऑफर ये कर रहा है। तो मैं मीनवाइल इसमें सिम इंसर्ट करता हूं, और सिम इंसर्ट करते टाइम एक चीज़ भी ध्यान रखें दोस्तों, जो स्लॉट जैसा दिया हुआ है वैसे ही इंसर्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ इसका जो पोर्ट है वो ख़राब हो जाएगा और आप दोबारा इसमें सिम नहीं डाल पाएंगे। जियो का अपना पर्सनल जो सिम है अगर आपने कोई यूज़ किया या अडैप्टर के साथ नहीं खरीद रहे हैं तो वो भी आप अपना सिम यूज़ कर सकते हैं, उसको एज ए वाईफाई डोंगल आप यूज़ कर पाओगे फिर अपनी सिम डालने के बाद। तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि लिंकिंग है कोई अडैप्टर की सिम के साथ, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी जियो की सिम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जो वर्किंग हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 2600 mAh की बैटरी है जो इसके साथ ऑफर की जाती है, और थोड़ा सा इसको केयरफुली बंद कर दें बॉक्स को, नहीं तो ये ओपन रह जाता है और टूटने के चांसेस रहते हैं। बाकी फिनिशिंग के मामले में जियो ने काफ़ी डिसेंट काम किया और एक अच्छी क्वालिटी का, और हाथ में लेके आपको सॉलिड फील होगा, और जैसे ही आप ऑन करते हैं उसको लॉन्ग प्रेस थोड़ा सा करने के बाद तो इनिशियल इंडिकेशन जो आएगी वो बैटरी की आएगी और उसके बाद में सिग्नल स्ट्रेंथ और जो वाईफाई है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं रेड कलर की इंडिकेशन आ रही है सिग्नल्स की, तो ये सिम का नेटवर्क अभी रीड नहीं कर पा रहा और फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है। तो आप जैसे देखेंगे थोड़ी सी देर में जो है लाइट, ये देखिए ये अभी ग्रीन हो गई है और ग्रीन से ये ब्लू भी हो जाती है। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ एवरेज रहेगी तो ये ब्लू रहेगी, और अगर अच्छी रहेगी या डिसेंट क्वालिटी की या 4G में कह सकता हूँ जिसमें, तो इसमें ये ग्रीन कलर के बार रहेंगे और आप एक अच्छी स्पीड भी ले पाएंगे। बैटरीज अभी दिखा रहा है फुल्ली चार्ज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई की स्पीड है या जो वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, वो तो नो डाउट होना ही था। और डिवाइस ब्लू है, इसका मतलब ये रेडी टू यूज़ है। आप फ़ोन को जैसे देखेंगे यहाँ पे JioFi 3 लिखा आ गया, इसको हमने कनेक्ट करना है। पासवर्ड जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने लिख के रख लिया यहाँ पे, थोड़ा सा टफ काम है, इजी पासवर्ड दिया जा सकता था बट कोई बात नहीं,
फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, इस पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। आपको बस एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, उस लिंक को यूज़ करके आप अपने सेटअप कर सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ याद रखें, जब भी आप पासवर्ड रीसेट कर रहे हो इस लिंक को थोड़ा केयरफुल यूज़ करें, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे लिंक जो हैं जो थोड़ी फ्रॉड वेबसाइट्स के अवेलेबल हैं, जिससे कुछ कुछ गलत चीज़ें भी ओपन हो जाएंगी और आप फिर थोड़ा रिग्रेट करोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लिंक प्रोवाइड किया गया वही लिंक ओपन करें, उसके आगे पीछे एक्सटेंशन ज़रा चेक कर लें। तो स्पीड टेस्ट मैंने गूगला का स्पीड टेस्ट इसमें यूज़ किया है स्पीड टेस्टिंग करने के लिए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी आपको सिर्फ गो पे प्रेस करना है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कितनी स्पीड है। तो दोस्तों स्पीड जो है एरिया टू एरिया वेरी करती है। मैं नोएडा में अभी हूँ बैठा हूँ और जियो की स्ट्रेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आप वहाँ पर अभी जो सिग्नल वाला बार देखेंगे डोंगल के ऊपर वो ग्रीन से ब्लू हो गया है, इसका मतलब एवरेज स्पीड आ रही है। और एवरेज स्पीड में जो मेरे पास अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो स्पीड मिलने वाली है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो अराउंड में बात करूँ तो 2 Mbps के आसपास ये स्पीड रहती है, चाहे आप अपलोडिंग लगाएं या डाउनलोडिंग दोनों मिला के। और इस स्पीड के साथ आप कितना काम कर पाएंगे, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे को लगता है दिखाने के लिए आपको YouTube है, क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हैं और YouTube सर्फ करना चाहते हैं तो मैं आपको शायद दिखा पाऊँगा कि कैसी स्पीड आपको मिलने वाली है। तो YouTube ओपन किया मैंने और होम पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीन वाले काम करते हैं, कुछ सर्च कर लेते हैं ताकि डायरेक्टली उस किसी पेज को अगर आप ढूंढना चाहें तो उस पर जा सकें। जैसे मैंने अपने चैनल को सर्च किया और सर्च करके यहाँ पेज कुछ इतनी देर में लोड हुआ, और अब वीडियो को प्ले करते हैं तो थोड़ी सी बफरिंग के बाद वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, अगर हम अभी जो बफरिंग हो रही है या यूट्यूब ने जो क्वालिटी रेंडर किया जिस पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 360p पे चल रहा है, मतलब 360 पिक्सल्स पे चल रहा है। जैसे ही आप इसके पिक्सल्स बढ़ा देंगे ये जो रेंडरिंग टाइम है जो बढ़ जाएगा और बफरिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो जो है आपके स्लो प्ले होंगे। तो अगर आप फ़ोन पे इसको यूज़ करना चाहते हैं एज ए वाईफाई, तो मुझे लगता है आपको फुल HD या फिर जो नॉर्मल HD तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक ठाक से रिजोल्यूशन पे ही वीडियोस को देखना पड़ेगा। आप फुल HD पे नहीं देख पाओगे, और अगर देखोगे तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा ताकि रेंडर हो जाए, और डेटा यूजेस भी काफ़ी होंगे। और आपका प्लान पे डिपेंड करता है, आपने कैसा प्लान लिया हुआ है तो डेटा यूजेस भी आपका ज़्यादा होगा। तो चलिए इसको मैं नॉर्मल पे वापस कर देता हूँ, 720 पे एक बार कर देता हूँ, थोड़ा कम शायद वीडियो थोड़ा सा फास्टर हो जाए या जल्दी बफर होने लग जाए। बट शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है जितनी आपकी हो, बट एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसी स्पीड ये ऑफर करता है। तो पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मुझे नहीं लगा कि ये सेटिस्फैक्टरी स्पीड है, क्योंकि इससे अच्छा अगर मैं डोंगल पे 1000 रुपये खर्च के करके 300-350 रुपये का मिनिमम कोई प्लान लेता हूँ, उतने में मेरे एरिया में वाईफाई की जो सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट जो है मेरे को अनलिमिटेड स्पीड देती हैं। 600-700 रुपये महीने में मेरा अच्छा काम चल जाता है। और इस डिवाइस से अगर मैं बात करूँ तो आप वन टाइम में 31 डिवाइसेज कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों एक डिवाइस कनेक्ट करने पर भी यही हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि 30 डिवाइसेज आप या 2000 भी कनेक्ट कर लेंगे तो आपका कुछ अच्छा काम चलने वाला है।